आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे फॉर ईच लूप से कुछ एग्जांपल्स के, कुछ से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट का। जैसे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे, देखिए मेरे कॉलर ए में बहुत सारा नेम लिखा हुआ है। अब ये नेम जो है इसमें कई नेम डुप्लीकेट है, तो मैं, मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से एक यूनिक नेम निकालना है, यूनिक नेम का लिस्ट निकालना है। जैसे कि हम नॉर्मली इसको पेस्ट करके डेटा में जाते हैं और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। इस काम को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एक्सेल का मेथड है, हम एक बार रिकॉर्डिंग माइक्रो को ऑन कर लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। बार स्टॉप कर देता हूँ और इस माइक्रो को डायनेमिक कर देता हूँ। इस माइक्रो को मैंने डायनेमिक कर दिया, तो हमने ए इस वजह से कॉपी F1 पे गया, पेस्ट किया, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, कट कॉपी डॉट फॉल्स, एक्टिव सीट। अब यहाँ पे देखिए F1 से लेके F26 है, तो मुझे F1 से F1 कर देता हूँ ना, क्योंकि पता नहीं डेटा कितना होगा। अब जो है, अब इसको जैसे मैं इस माइक्रो वन को रन करूंगा तो मुझे मुझे डुप्लीकेट नेम मिल जाएंगे, तो यूनिक नेम मिल जाएंगे, डुप्लीकेट हट जाएगा। ये मेथड तो आपका बीवीए का, एक्सेल का मेथड है, लेकिन इसको कई सारे डायनेमिक चीजों पे यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे तो हमें एक एरिया को होल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसको दूसरे तरीके से निकालना है। चलिए निकालते हैं सब्जेक्ट यूनिक, नाम दे दिया थोड़ा सा ऐसे ही, कभी नाम दे देता हूँ मिलता जुलता, बना कभी तो आर आर 1 2 HH ऐसे कुछ नाम ला देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे कि डिम डीपी एज ए न्यू कलेक्शन। और न्यू कलेक्शन क्यों किया हम आपको बताते हैं, रुक जाइए। आई इक्वल टू चले टू रेंज रेंज 65,000 डॉट एन एक्सेलस अप और नेक्स्ट आई। तो डी यहां पे क्या है कि आपके यहां एक न्यू कलेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमने न्यू कलेक्शन डिजाइन किया है। वह एक वो क्या होता है कि जैसे कि हम इंटीजर लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, या फिर एरे लेते हैं, ये एक तरह से एरे ही है। मान लीजिए कि हमने दे दिया कि डिम के एज ए लॉन्ग, तो ये हमारा के क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। मतलब के पे हम एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, दो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अगर मुझे दो वैल्यू स्टोर करना है, मुझे यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे देना पड़ेगा कि पी इक्वल टू 30। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के काम के लिए हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, एरे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। इसमें लिखते हैं कि 1 to 5। क्या हुआ कि अब के जो है 5 वैल्यू ले सकता है, कैसे, तो K1 इक्वल टू 30, K2 इक्वल टू 50, K3 इक्वल टू 60। तो ये एरे होता है, मतलब कि एरे पे आप एक से ज्यादा वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब कि अगर 5 या 10 वैल्यू आपको चाहिए तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही में एरे वेरिएबल्स डिजाइन कर दीजिए और फिर उसमें आप वन बाय वन अपनी वैल्यू डालते चले जाइए, ठीक है। डाउट सर, चलिए तो इस हरीश जी को डाउट आपको, हरीश जी, हेलो। हाँ, कोई डाउट नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये हुआ। अब प्रॉब्लम इसमें एरे में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक, मान लीजिए कि आपने 30 दिया तो मैं यहां भी 30 दे सकता हूं, मतलब कि एक डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब कि एक ही सेम वैल्यू दो बार एक्सेप्ट कर सकता है, तो सेम वैल्यू दो बार एक्सेप्ट कर सकता है।
अब यही पे दिक्कत हो जाती है। तो न्यू कलेक्शन भी एरे की तरह ही परफॉर्म करता है कि एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन जैसे उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आता है वो उस लोकेशन पे एरर दे देता है। मतलब कि न्यू कलेक्शन जो है एक से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट तो करता है बट यूनिक, डुप्लीकेट नहीं। तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि dt डॉट एड, और इसमें हम देंगे क्या ऐड करना है। तो हमने बोला रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन कर दिया डॉट वैल्यू। लेकिन यहां पे आपको एक और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर मान लीजिए कि एक वैल्यू स्ट्रिंग है एक वैल्यू टेक्स्ट है तो दोनों आपस में मैच नहीं होती है, इसलिए आपको यह बताना पड़ता है कि जो भी वैल्यू डलेगी वो स्ट्रिंग डलेगी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि रेंज ए के साथ आई को हमने कंबाइन किया डॉट वैल्यू। तो ये एक एक करके वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसमें हमने बोला कि दैट ऐड क्या ऐड करना है, तो रेंज a1 a2 a3 की वैल्यू ऐड करनी है, और हमने बोला कि ये जो रेंज a1 a2 a3 की वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इस स्ट्रिंग में। ओके, ये डालना जरूरी होता है इसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ये dt के ऊपर अगर एक वैल्यू डुप्लीकेट ऐड होगी तो आपको वो एरर देगा और प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मैं यहां पे देता हूं और एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ताकि जो एरर वाली लाइन है उसको स्किप कर दे। तो इसको रन करने से क्या होगा कि जितनी भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यूनि एक एक बार हर एक वैल्यू एक बार डीटी पे ऐड हो जाएगी और सारी वैल्यू डीटी पे स्टोर हो जाएगी। बट डीटी पे तो स्टोर करना नहीं है मुझे, तो इसको वन बाई वन अलग अलग कॉलम में चाहिए क्या। तो उसके लिए हम यहां पे फोर लूप लगाएंगे कि फोर इच आइटम इन डीटी, और जहां मुझे रिटर्न कर आप जो रिटर्न करना है वहां देना होगा रेंज a 65,000 डॉट वैल्यू, नहीं डॉट वैल्यू नहीं, 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू। यहाँ पे हम फोर इच क्यों लगाए, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था हरीश जी कि फोर इच का यूज होता है कि हमें पता ना हो कि कितने वेरिएबल्स हैं, हमें पता ना हो कि कितने वेरिएबल्स हैं, उस केस में हम यहाँ यूज करते हैं फोर इच का। तो वही तो बात यहाँ भी है कि डीटी पे आखिर कितने नाम ऐड हुए हैं इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने डीटी ऐड किया। ओके सर, चलिए तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है, और हमारा रिजल्ट ओके, माफ कीजिए हमने ए में ही दे दिया था, ए से उठाया था ए में दे दिया, मैं इसको करता हूं सी कर देता हूं यहां पे सी, और रन करने पे आपका सी वाले आगे ना। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट कहाँ होगा, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल हमने आपको पहले भी दिए थे। तो हम एक डेटा लेते हैं यहां से, इसी डेटा को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, एक नई सीट पे पेस्ट करते हैं, बहुत सारे सीट हैं, वापस इस डेटा को क्लोज कर दें। मुझे क्या करना है कि मुझे ए हमारा ई कॉलम में, ई कॉलम में जितने भी नेम है उस नेम के डेटा एक अलग सीट पे हमें पेस्ट करना है। जब मैंने आपको रिकॉर्डिंग मैप में बताया था,
अलग अलग सीट पे सेग्रीगेट कर देना है। याद होगा हमने क्या किया था इसके लिए, मैं इसको नाम डेटा कर देता हूँ। तो इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज किया था। आपको याद होगा जब मैंने माइक्रो रिकॉर्डिंग माइक्रो एडिट करना सिखाया था तो एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे क्या हमने फिल्टर लगाया, कविता को सेलेक्ट किया या जो भी नाम है नाम को सेलेक्ट किया, इसमें सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी एंटर कॉपी किए, एक नया सीट ऐड किया, उसमें डेटा को पेस्ट किया और फिर इसका नाम दे दिया इंदर। और फिर डेटा पे आए, कट को भी मोड को स्किप किया और फिल्टर को हटा दिया, माइक्रो स्टॉप कर। तो यहाँ पे आप देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो हमारे पास है और हमने आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके मतलब कि अच्छा करना सिखाया था आपको, याद होगा। इसको एक बार करते हैं और फिर दोनों माइक्रो को मर्ज करेंगे। यहाँ पे ए वन ही रहने देता हूँ मैं, डेटा डाला है, डेटा डाल सिलेक्टेड C14। चलिए तो ये आपका परफेक्टली वर्क कर गया। बट ए फाइल की दिक्कत क्या है कि ए फाइल सिर्फ आपका एक इंदर नाम का डेटा लेगा, इनपुट बॉक्स दे देंगे तो उसमें आपको एक एक जो नाम डालेंगे दो अलग करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जो कॉलन है और कॉलन ई, ई कॉलन में जितने भी डेटा है, जितने भी नेम है, जो उस नेम का डेटा फिल्टर करके अलग कर। तो उस केस में हम इस माइक्रो का जिक्र करेंगे। तो हम इसको एक बार कॉपी करते हैं कोड को और फिर इसको देखिए कैसे मर्ज करेंगे। इसको यहां पे मर्ज करते हैं। यहाँ पे ऑन एंड रिज्यूम नेक्स्ट जीटी न्यू कनेक्शंस फॉर आई से लेके यहाँ पे ए के जगह पे हमें करना होगा ई, जो कि हमारे ई कॉलम में नेम है। ओके और यहाँ पे यहाँ भी ई, उसके बाद ए जो हमारा और नीचे यहां आ देता हूं, ठीक है। आइटम इन डीटी और जहां इंदर है वहां पे इंदर के जगह पे हो जाएगा आइटम, ओके। और जहां जहां में इंदर की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हमने आइटम दे दिया है। भी अब क्या होंगे, जितने भी नेम होंगे उसके अलग अलग शीट बनना शुरू हो जाएंगे जैसे हमने इस मैक्रो को रन किया। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एक नाम तो वो नहीं बनेगा। ठीक है,
एक नाम में दो शीट है उसको भी रिमूव करने का तरीका हम बताते हैं आपको, चिंता मत कीजिए। मैक्रो टू और यहाँ से इसको रन करते हैं। दिख गया सर, बन गया अलग अलग शीट। तो हरी जी, प्रीतम जी एंड तेजेंद्र जी, कोई डाउट इसमें? वो तो ठीक है सर, जैसे वो हमने उस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, इंदर जी का चाहे तो इंदर जी का आ जाए, तो उसके लिए हरीश का चाहे तो हरीश का। उसके लिए तो जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसमें इंट्रो बॉक्स लगा लीजिए, वो तो हमने बताया था तरीका। ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है सर, याद आएगा याद आएगा। ठीक है सर, इनपुट बॉक्स लगा था वो, ठीक है ना जी सर। तो वो तो ये हो गया कि वन बाय वन, अब ये हुआ कि जितने भी सबको कर रहे, ठीक है। हेलो जी सर, ओके। ये क्या है, ये है कि जितना भी है उस सबको कर देगा, क्लियर है। अब इसमें दो तीन एडिशंस करने हैं आपको, ये फाइल में सेव करके आपको भेजता हूं, ठीक है। एक कि अगर इस नाम का सीट हुआ तो, मतलब कि अगर एक नाम का दूसरे सीट हुआ तो कुछ ऐसा करना है ताकि कोई किसी और तरीके नाम से या नाम में नंबर, ऐसे डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री ऐसे होता है, ऐसे नीरज वन नीरज टू नीरज थ्री ऐसे डेटा ऐड हो जाए, या फिर नीरज वन नीरज वन एंड वन ऐसे ऐड हो जाए, मतलब किस तरह से नाम डिफरेंट नाम कर दे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ सर? क्वेश्चन सर इसका साफ है, क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर आपके अब अगर मान लीजिए मैक्रो, अभी मैं दोबारा मैक्रो रन करूंगा तो ये दिक्कत देगा। क्यों दिक्कत देगा? क्योंकि जैसे कविता नाम का सीट नहीं बना पाया, क्योंकि कविता का नाम ऑलरेडी है, तो यहां पे एक डेटा ऐड करें और कविता में यहां पे वन जोड़ दें, कविता वन या कविता एट कुछ ऐसा जोड़ दे और सीट ऐड कर, मतलब कि अगर सीट है फिर भी एक नया सीट बना दे किसी और नाम से, कविता के में कुछ ऐसा इनिशियल ऐड कर दे, समझे कि नहीं। जैसे कि मैं अगर नीरज को कॉपी करता हूं तो क्या हो जाता है, नीरज टू बन जाता है ना, इस तरह से कुछ बन जाए, ना दे, मतलब कि नाम और ऑलरेडी सीट इस नाम से है तो एरर ना दे, समझ गए? हेलो, आपको समझ में आया कि नहीं? सुजीत सर, हाँ मैं एक्चुअली में एक क्वेरी थी कि मेरे पास ना कुछ वो पीडीएफ फाइल्स होती है हमारी, जैसे 20-30 होती है, तो मुझे एक एक्सेल शीट में ना उनकी फाइल के ना नाम लेने पड़ते हैं, मतलब उनके पैन कार्ड रिकॉर्डिंग सेव होती है, उनके पैन कार्ड में एक्सेल में उसको मतलब फेस करना पड़ता है कि कौन कौन से हैं, तो उसके लिए कौन सा कोड यूज करें। नाम आप पीडीएफ फाइल का जस्ट नाम चाहते हो कि पीडीएफ फाइल के अंदर का डेटा चाहिए आपको? नहीं, और नाम चाहिए मुझे, फाइल का नाम चाहिए सिर्फ। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है ना, केवाईसी होती है म्यूचुअल फंड में, केवाईसी होती है, तो उनके पैन नंबर के अकॉर्डिंग सेव करते हो पीडीएफ फाइल, उनके पैन नंबर में वो फेस करने। समझ गए समझ गए। तो उसके लिए सर कल कल या परसों क्लास में वो टॉपिक कराने वाला हूँ सर, तो कल परसों करा दूँ या जल्दी है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सिक्वेंस से चलेगा तो ठीक रहेगा वैसे, कोई हाँ, दिक्कत क्योंकि नहीं। वो अभी वो फोर इंच का पार्ट है, अभी जैसे क्लास शुरू होने से पहले मैं प्रीतम जी को समझा रहा था ना, वही टॉपिक जो प्रॉब्लम था वही टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल अभी आप फोर इंच और फोर इंच को एरे में यूज करना सीखे, अभी सिखाया मैंने आपको कि एरे में कैसे यूज करेंगे, ठीक है ठीक है। कोई पीडीएफ पीडीएफ बुक पढ़ी है जिसके बारे में, थोड़ा लोगों के बारे में पढ़े कि कौन कब यूज होता है? तो भेजा था मैंने आपको, नहीं भेजा आपने भी मुझे, क्या बात करते, बुक नाइन करके गया होगा आपके पास? नहीं गया सर, देख लो आप ने दिया देना प्रीतम जी को ना,
हाँ जी रावत आ गए सर, रावत निकम। और किसी को चाहिए जी? आपको दे रखा है तेजी, आपको दे रखा है ना? नहीं नहीं ये नहीं दिया यस सर, आपने, मेरे को कुछ नहीं दिया ऑलरेडी आपका, है क्योंकि मैं एट क्लास में। हाँ हमारे पास, ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने आपको भेज दिया। ठीक सर, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। ओके बाय।